तो अब मैं आपको बताता हूँ जेटिंगा सुसाइड पॉइंट के बारे में। और यहाँ पर ना सड़कों पे, नदियों में काफ़ी जगह ये पक्षी मरे हुए पाए जाते हैं। अब ये देखो यार, बैम्बू का ये विलेज कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये सिंह वगैरह यार मेरे ख्याल से मिथुन का होगा। आया भाई हमारे डेस्टिनेशन। ताही फिरू इन हवाओं मैं कहीं। भाई अब मजे आ रहे हैं क्योंकि भाई अब बैग नहीं है यार कुछ भी मेरे पास, तो फ्री हो गया मैं बिल्कुल। और पीछे गाना चल रहा है भाई मस्त वाला, तो चलो आपको शेयर कराते हैं जेटिंगा विलेज की। अबे तेरी मरी हुई यार, ये तो मुझे लगा जिंदा है, फन करने वाला था मैं तो। मर गई यार। ये जो कोला बोलता है, कोला किस में बोलता है? ये आसमीज में। तो हिंदी में आप कोला बोलता है, अखोमिया में तो केला है बोलता है। हाँ हाँ। और इसको बोलता है कमला, कमला कमला बोलता है नारंगी को। यार ये बकेट कितनी प्यारी है, देखो बकेट अच्छा है, बकेट काम आ जाता है ना ये, इस वजह से इतना इसका प्राइस ज्यादा है बकेट की वजह से ना। सही है। हम जोधपुर राजस्थान, राजस्थान राजस्थान का है। क्या बिकनी रह गया? मैं बेच दूं? बेचो, बैठ के मैं आवाज देगा, कोमला ले लो, कोमला ले लो। हाँ मदद कराएगा, हम पहले घूम के आता है फिर मदद कराएगा, ठीक है? नहीं नहीं आऊंगा, आऊंगा वापस, नहीं बैठूंगा दुकान पे, तो फोटो भी तो लेना है ना फिर। एथनिक वाला इधर है ना? हाँ दूर है, जाएगा हम तो पैदल, जाएगा जाएगा जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं, एक एथनिक विलेज है भाई, जहाँ पे जितने भी ट्राइबल्स है उन सब ट्राइबल्स का जो हट होता है, जो घर होता है, वो वहाँ पे दिखाया गया है। तो चलो चलते हैं, 3 किलोमीटर है यहाँ से, लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भाई चलते हुए तो हम बोलो तो 5-10 किलोमीटर चले जाएगा, लेकिन होना नहीं चाहिए अपने पास बैग बस। बहुत बहुत फ्री कर रहा हूँ मैं, बहुत फ्रीली महसूस कर रहा हूँ आज, मज़ा आ रहा है मेरे को। यार सूरजमुखी के फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं एकदम। वाओ नाइस यार। और भाई 3 किलोमीटर से चल रहे हैं लेकिन अभी तक आ ही नहीं रहा है यार, क्या करें। तो चलते जा रहे हैं, हालांकि आएगा तो इसी रोड पे, काफ़ी लोगों से पूछा है, अभी शायद 1 किलोमीटर और है, निकलते हैं दिखाएंगे ज़रूर आपको। और यहाँ पर अभी ठंड बढ़ चुकी है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ ना पानी की बहुत आवाज़ आती है यार, जगह जगह पे ना ये लीकेज है या पता नहीं क्या है, थोड़ा सा भी लीक रहता है ना पानी की बहुत आवाज़ आती है, और ये जगह जगह पे ऐसी आवाज़ आ रही है यार। यार यहाँ के टैक्सी वाले बड़े अच्छे हैं, लिफ्ट दे देते हैं भाई। हाँ थैंक यू भैया, बाय, देखेंगे यार कैसा है। बढ़िया भैया, क्या अच्छा काम चल रहा है ना, गेट वेट लगाया है भाई, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सही है यार, कंस्ट्रक्शन करो, टूरिज्म को बढ़ाओ, मज़ा तभी आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ जेटिंगा सुसाइड पॉइंट के बारे में। वो एक कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि वहीं पे सुसाइड होता है, ये जो पूरी जगह है यहाँ पर भाई कहीं पे भी पक्षी आके गिर सकता है। यस ऐसा होता है, क्योंकि मालूम नहीं चला अभी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पक्षियों की मौत होती है, बहुत सारे पक्षी। दुनिया भर के पक्षी यहाँ पर माइग्रेट होकर आते हैं, और वो महीना होता है भाई सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बहुत कम होता है, मोस्टली अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बहुत से पक्षी यहाँ पर माइग्रेट होकर आते हैं, और नवंबर में थोड़ा कम हो जाता है। तो हम अभी नवंबर में हैं तो अभी नहीं, बहुत कम मिलेंगे, और मोस्टली दिन में तो देखने को नहीं मिलते हैं, रात को आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ना सड़कों पर, नदियों में काफ़ी जगह ये पक्षी मरे हुए पाए जाते हैं। अब वो क्यों मरते हैं, क्या रीज़न होता है, ये तो भाई अभी तक किसी को नहीं पता चला है, रिसर्च वगैरह सब कर रहे हैं, आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा जेटिंगा सुसाइड पॉइंट के नाम से, तो आपको नॉलेज हो जाएगा। चलो भैया, भाई मेरे को तो कहीं दिखा नहीं है कोई मरा हुआ, अगर दिखेगा तो भैया वाकई में मैं भी इस
मान लूंगा कि यार वाकई में इस बात में सच्चाई है। हालांकि सच्चाई तो है इस बात में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, एक मानते हैं तो उसके हिसाब से अब लोग मानते हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया है सुसाइड पॉइंट, जटिंगा सुसाइड पॉइंट। और आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि जटिंगा जो है वो आसाम का एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ पे आप बहुत प्यारी प्यारी, यार देखो टोटली चारों तरफ हिल ही हिल है और एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। तो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, अपने हॉलीडे के लिए कपल्स वगैरह भी इस जगह पे बहुत आते हैं। और अभी हम आ चुके हैं वेलकम टू एथनिक विलेज, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनके घर कैसे किस तरीके से होते हैं, अलग अलग ट्राइब के घर वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये एथनिक विलेज को देखने का टाइमिंग है समर में 7 से 5 और विंटर में 8 से 4 बजे तक। और ये यहाँ पर अंदर बना रखे हैं बहुत सारे विलेजेज हैं अलग अलग ट्राइबल्स के हिसाब से। और ये देखो यार इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो बेसिकली ये एक टूरिस्ट प्लेस ही है। और यहाँ पे देखो यार ये तो भाई बना रखा है कुछ हॉल टाइप का बनाया है, लेट्स सी क्या है इस हॉल में। ओके ये हॉल में है देखो। तो मेरे हिसाब से जब ज़्यादा टूरिस्ट होते होंगे उस समय ये हॉल में बैठा के भाई पूरी पूरी नॉलेज देते होंगे। तो अभी लेट्स अपन आगे उधर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ। लेकिन अभी तो यार टूरिस्ट वगैरह बहुत कम है इसीलिए इतना मज़ा नहीं आ रहा है इनको भी। बाहर वो बेचारे नारंगी बेच रहे हैं तो उनके भी बिक्री नहीं हो रही यार, इसलिए तो नारंगी भी इतनी महंगी कर रखी है। तो ये देखो यार ये सब डमीज होते हैं, ये सैंपल के लिए दिखा रखे हैं ओनली, ताकि लोग आए और लोग देख सकें। लेकिन यार इसमें अगर पता चलता कि कौन से ट्राइबल से बिलोंग करते हैं तो भी मज़ा आ जाता। बट ये भी एक बैठने लायक है, काफ़ी बड़ी जगह है यार ये तो। उधर देखो उधर एक विलेज दिख रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। ये देखो यार बेम्बू से हट वगैरह बना रखे हैं, उधर भी इस तरह का है, आगे और ज़्यादा है, मस्त लग रहा है यार देखने में वाकई में। ये देखो यार बेम्बू का ये विलेज कितना प्यारा लग रहा है भाई। तो ऐसे विलेज में भी भाई लोग तो रहते हैं, ये देखो इस तरीके के। तो बेसिकली एक कल्चर दिखाया गया है कि जो ट्राइबल एरियाज वगैरह के लोग होते हैं वो इस तरीके से भी रहते हैं। भाई मौज आ गई यार, ओह माय गॉड, पीछे ये सब तो इसी टाइप के बना रखे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। और ये भैया जी हमारे सेवक रक्षा कर रहे हैं भाई, ठीक है। वाई फाई कॉटेज, ये देखो यार रोंगमाई कॉटेज, तो ये रोंगमाई लोग वगैरह उनके लिए बना रखा है। अरे यार बढ़िया है यार, ये तो अंदर ही अंदर और जगह भी है भाई। यहाँ पे ये कुकिंग के लिए होता है, यहाँ इनका ड्राई मीट वगैरह रखा जाता है। और यहाँ पे ये सींग वगैरह देखो यार पड़े हैं सींग अभी भी, ये सींग वगैरह यार मेरे ख्याल से मिथुन का होगा। तो ये इस तरीके से होता है भाई, अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से आ गए दीमासा कॉटेज और डाकी चेंग, ये है भाई दीमासा का। तो आसाम के अंदर दीमासा ट्राइबल बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ इस तरह का होता है भाई यहाँ पे बैठने का, मतलब कुछ पकाने वकाने का और ये सिस्टम है, ठीक है यार। ट्राइबल के यार घर ये तो चलो सैंपल है, हालांकि कॉटेज बना रखे हैं लेकिन आप रियल में भी देखोगे ना तो बड़ा मज़ा आता है। ये भी दीमासा कॉटेज है, ये देखो अंदर जाके फिर वापस बाहर आ जाओ, पीछे का एक रास्ता भी होता है हर बार ताकि लोग पीछे से दोनों तरफ से आ जा सके लोग, तो इस तरीके से उसको बनाया जाता है। और आसाम के अंदर ट्राइबल काफ़ी सारी ट्राइबल है, जिसमें है मिजो दीमासा और नागा और भी काफ़ी सारे हैं जो ये ट्राइबल आप देख रहे हो। ये खासी भी बहुत होता है इधर, तो ये खासी लोगों का कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये मड का भी लगाते हैं मिट्टी के ऊपर ये जो, और फिर ये देखो यार इस तरीके से खासी कॉटेज का, ये आसाम में बहुत है खासी कॉटेज वाले। और ये ऊपर ये बनाने का बताया ना मैंने, हर किचन में होता है मीट बनाने का होता है ऊपर सिस्टम। बढ़िया है यार, अंदर जाते रहो बाहर आते रहो, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो। तो भाई ऐसे देखने से कुछ नहीं होता यार, आप खुद आओ ट्राइबल एरिया में एक्सप्लोर करो तब आपको मज़ा आएगा बिल्कुल।
हम तो गए हैं यार, हम तो ट्राइबल लोगों के साथ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यार वाकई में बड़ा मजा आता है। जंगल के अंदर ही अंदर यार रास्ता, कितने बढ़िया बढ़िया रास्ते हैं, मजा आ जाता है। मुझे तो सच में यार जंगल से बहुत प्यार है, मुझे मजा आता है ऐसी जगह घूमने में। सुकून, शांति, प्योर ऑक्सीजन, वही तो चाहिए यार लाइफ में, और क्या। वरना सिटी में तो भीड़ भाड़, पॉल्यूशन, तो कुछ वक्त निकालना चाहिए, जंगल की लाइफ को आपको जीना चाहिए, सच में बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो भाई वहाँ से आगे आगे जाने के बाद हम तो बाहर आ गए। तो ये है यहाँ की ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, वो सब मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा लगा होगा आई थिंक आपको, और आपको भी यहाँ पे आना चाहिए ताकि आप ट्राइबल लोगों के बारे में जान सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी बस अभी वापस हम निकलेंगे भाई। तो ये था गाइज एथनिक विलेज, और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो गाइज अगर आप दिमा हसाओ आते हैं तो इस जगह पे आप जटिंगा ज़रूर आइए और ये सब आप एक्सप्लोर कीजिए। तो चलो यार अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो @PankuWorld पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और भाई कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ। अब हम जैसे आए वैसे हम वापस जाएंगे और अगले वीडियो में आपको जटिंगा विलेज की कुछ और लाइफ दिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ₹50 का चार, ये तो कच्चा है। नहीं नहीं कच्चा नहीं है, पक्का देगा हम आपको।